इट इज अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस गाइज. हाय गाइज, मैं हूँ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. हाउ आर यू ऑल? द टाइटल सजेस्ट इन टूडेज वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग टू यू अबाउट केरेटिन ट्रीटमेंट. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो वॉट केरेटिन ट्रीटमेंट इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर टू मेक देम लुक ऑल मैनेजेबल, ऑल नाइस, शाइनी एंड ऑल. And I'll take you through the process of this whole treatment and what issues I faced. And almost एक महीना हो चुका है मुझे ट्रीटमेंट करवाए. आई डेंट वॉन्ट टू शो इट टू यू गाइज कि मैंने इमिडिएटली ट्रीटमेंट के बाद कैसा है, क्योंकि तब तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या क्या हुआ बालों के साथ, मैंने क्या क्या ट्राई किया उसके बाद, और उसके बाद भी बाल कैसे रहे कैसे नहीं रहे. सो वो सब के थ्रू अगर आप जानना चाहते हो और आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं इन सब चीज़ों को लेके, एंड यू आर अ कर्ली फ्रिजी हेड गर्ल, सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स जस्ट नाउ गेट स्टार्टेड. तो गाइज, मेरे बाल अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस में नहीं देखा है तो वो सब कुछ बुरा था उन बालों के साथ जो कि फ्रिजी हेयर, ड्राई हेयर, कर्ली हेयर, और क्या बोल सकते हैं, जो भी बुरा बुरा होता है ना, कि अनमैनेजेबल, की समझ में नहीं आता था, और हमेशा एक टॉप नॉट बना के रखो, जूड़ा बना के रखो. एंड तो आई वॉज ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मेरे बालों के साथ मैंने कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया था, कभी कलर नहीं किया था, कभी कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, समथिंग लाइक दैट, कुछ कभी नहीं किया था. बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो फॉर दैट ऑप्शन, और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आई थॉट कि आई शुड गो फॉर केरेटिन ट्रीटमेंट. सो केरेटिन ट्रीटमेंट इज बेसिकली अ ट्रीटमेंट वेर इन दे इन्फ्यूज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन इन योर हेयर, एंड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर प्रोसेस होता है इन तीनों का. तो मतलब बहुत माइन्यूट लाइन है इन सब के बीच में. तो केरेटिन क्या होता है? केरेटिन एक्चुअली में एक प्रोटीन होता है जो हमारे बालों में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट ड्यू टू हमारी डाइट, लाइफस्टाइल, या जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने बालों पे, और हीटिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं, तो उस सब के कारण वो जो केरेटिन है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हमारे बाल और ज़्यादा फ्रिजी लगने लगते हैं, और ज़्यादा डैमेज्ड, ड्राई लगने लगते हैं. तो इस वजह से ये केरेटिन ट्रीटमेंट आपके बालों को दिया जाता है, एंड यू नो दैट प्रोटीन इज एक्चुअली सप्लाइड टू योर हेयर ताकि वो और ज़्यादा मैनेजेबल और सुंदर और शाइनी दिखें. तो सबसे पहले लेट अस लुक एट द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट, एंड आई विल टेक यू थ्रू दिस ट्रीटमेंट कि क्या क्या हुआ. सो इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर 2 days, मतलब 2 दिन लगते हैं इसमें, लाइक 3 to 4 hours, एक दिन 3 to 4 hours, सेकेंड डे तो 2 sitting में होता है ये. एंड फर्स्ट डे जब मैं गई तो आई वेंट टू दिस अमेजिंग सैलॉन जो सब लोग जानते हैं जिसके बारे में. सो आई गॉट दिस ट्रीटमेंट डन फ्रॉम लैकमे. नो ऑफेंस, नथिंग नथिंग स्पॉन्सर्ड, कुछ भी नहीं. आई स्पेंड माई ओन मनी ऑन दिस. एंड लैकमे पर जाने का मेरा फर्स्ट रीज़न ये था कि लैकमे इज़ अ ब्रांड इन इट सेल्फ, एंड आई हैव tried other services from Lakme, so it is kind of a trustworthy, और एक trust रहता है जब आपने already try किया होता है एक salon, तो I thought कि Lakme से ही करवाना चाहिए. So when I first went to the salon, तो first of all my concern was that I want frizz free hair and I just want a treatment for them. I don't मतलब मेरी बेसिक नीड ऐसी नहीं थी कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेट बाल चाहिए या बिल्कुल ही ऐसे चाहिए कि बस सो के उठो और रेडी हो आप, वैसा नहीं चाहिए था. बट एक फ्रिज फ्री मैनेजेबल हेयर आई वॉन्टेड. सो दे टोल्ड मी कि आपको इस ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए, दैट इज़ केरेटिन ट्रीटमेंट, वेर इन वो आपके बालों को ट्रीट करेंगे एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम मोर, यू नो, आफ्टर द ट्रीटमेंट बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बालों के साथ कि हेयर फॉल बढ़ जाता है. और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा उनके एक्सपीरियंस से सुना था कि आफ्टर हेयर स्मूदनिंग या हेयर रिबॉन्डिंग उनके बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ड्राई हो गए उनके बाल. सो आई डिडंट वांट दैट, एंड मोर ओवर
बाल मेरे बिल्कुल यू नो वर्जिन हेयर, नथिंग हैड बीन डन टू देम अदर देन हेयर कट और थोड़ी बहुत जो हीटिंग टूल्स और स्टाइलिंग हम करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था मेरे बालों के साथ. तो आई वॉज वेरी वेरी यू नो स्केप्टिकल अबाउट इट, बट आई थॉट ठीक है आई हैव टू गो एंड आई शुड गो फॉर इट. ट्रीटमेंट एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले दे डिड अ पैच टेस्ट, तो उन्होंने मेरे बालों का इतना सा एक स्ट्रैंड लिया, दे टुक दिस मच और लेसर देन दिस इन फैक्ट, इतना सा स्ट्रैंड लिया एंड ही अप्लाइड दैट ट्रीटमेंट एक्चुअली जो मतलब उनको चाहिए जो इस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होती है. तो उन्होंने वो पैच टेस्ट करके देखा कि कोई एलर्जीज तो नहीं है या वो क्रीम मुझे सूट कर रही है कि नहीं कर रही. आफ्टर द पैच टेस्ट दे आई वॉन्टेड अ हेयर कट, सो आई आस्क देम, आई आस्क द पर्सन टू गिव मी अ हेयर कट, बट ही सेड दैट फर्स्ट ही विल ट्रीट द हेयर देन ही विल गिव अ कट. मतलब ऑब्वियसली ट्रिमिंग उन्होंने नीचे से कर दी थी बालों की, बट जो एक्चुअल हेयर कट देना था बालों को वो ही सेड कि ही विल गिव इट आफ्टर द ट्रीटमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट फॉर द हेयर वॉश, जो कि द मोस्ट एसेंशियल स्टेप होता है. हेयर वॉश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी डर्ट है या कुछ है, आप घर से करके जाते हो तो भी दे गिव यू अ हेयर वॉश उनके सालों में और वो सब यू नो इंक्लूडेड इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है. सो वंस द हेयर वॉश वॉज डन, उन्होंने कंडीशनर नहीं लगाया मेरे बालों पे और डायरेक्टली वो जो ट्रीटमेंट थी दे स्टार्टेड टू अप्लाई दैट ऑन माई हेयर. और ट्रस्ट मी गाइज, इट इज सच अ टीडियस प्रोसेस, क्योंकि वो एक्चुअली एक एक स्ट्रैंड के ऊपर मतलब एक एक बाल के ऊपर वो क्रीम लगाते हैं, एक एक बाल के ऊपर, तो वो इतना ज़्यादा टीडियस प्रोसेस होता है और काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत का प्रोसेस है. और एक अच्छे सैलून से करवाना इज़ अ थिंग, आप कहीं भी जाके नहीं करवा सकते हो, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट दैट थिंग यू नो दैट टेक्निक एंड वो जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. सो एक रिप्यूटेड सैलून से ही आपको ऐसी ट्रीटमेंट्स करवानी चाहिए. सो वो क्रीम अप्लाई करने के बाद दे आस्क मी टू रिलैक्स फॉर लाइक अनदर 40 मिनट्स और 1 आवर, 40 मिनट्स टू 1 आवर दे लेफ्ट दैट क्रीम इन माई हेयर. और उस प्रोसेस में वो जो क्रीम में एक एक बाल पे और एक एक हेयर स्टैंड पे उन्होंने लगाई, दैट टुक अराउंड ऑलमोस्ट 1.5 आवर और सो. तो वो आपके हेयर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि दे चार्ज यू एज पर योर हेयर लेंथ एंड योर हेयर डेंसिटी. सो जितनी ज़्यादा हेयर लेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट भी पड़ेगी, एंड जितनी ज़्यादा आपकी हेयर की डेंसिटी होगी उस हिसाब से ही वो आपको चार्ज करेंगे. सो आफ्टर यू नो वो 40 मिनट में बैठी एंड रिलैक्स किया मैंने वहाँ पे, तो उसके बाद दे आस्क्ड मी कि वो लोग उस ट्रीटमेंट को जब वो लगा चुके थे क्रीम एंड इट हैड टू सेटल, तो उसके बाद उन्होंने उस क्रीम को आयरनिंग की, मतलब उस ही के ऊपर उन्होंने स्ट्रेटनिंग की मेरे बालों में. और वो स्ट्रेटनिंग इज़ अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, इट इज़ अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस गाइज, क्योंकि बाल आपके एक्चुअली धुआं निकल रहा होता है आपके बालों से. एंड एज आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट द होल ट्रीटमेंट, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आप लोग तो मेरे बाल जला रहे हो इसमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आयरन करते हैं बालों को, और वो भी एक एक बाल को आयरन करते हैं, मतलब एक एक यू नो हेयर स्ट्रैंड को आयरन करते हैं वो. एंड ही सेड कि दे आर नॉट एक्चुअली बर्निंग माय हेयर, और वो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो उन्होंने प्रोटीन मेरे बालों में लगाया है उसको वो सेटल करने के लिए दे नीड टू आयरन दैट, कि वो जब स्ट्रेटनर से आयरन करेंगे बालों को तो वो प्रोटीन एक्चुअली में सेटल होगा मेरे बालों में. एंड दैट प्रोसेस अगेन टुक अराउंड 1 आवर और समथिंग, क्योंकि दे वर डूइंग की. देन आफ्टर द स्ट्रेटनिंग दे आस्क्ड मी टू गो होम एंड रिलैक्स, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ. तो कुछ इंस्ट्रक्शंस में ये था कि आई कुडंट डू, कि मैं अपने कानों के पीछे नहीं कर सकती बाल, एंड आई कुडंट डू लाइक दिस, और मुझे वो स्ट्रेट रखने थे फॉर अ नाइट फॉर 24 आवर्स. एंड दे आस्क्ड मी टू कम
next day after exactly 24 hours to the salon again, and then they'll do the second part of the treatment. सुनने में बहुत ऐसे लगता है कि हाँ क्या ही किया उसमें, दे जस्ट वॉश्ड फिर ट्रीटमेंट लगाया थे स्ट्रेटनिंग की, बट गाइस बहुत मेहनत का काम है, बैठने वाले को भी मेहनत का काम है, क्योंकि इट टेक्स यू नो अराउंड 2 hours टू डू दैट थिंग, और somebody is actually burning your hair. So when the first day was done, I came home, I relaxed and I just didn't let my hair get damaged or something. So next day when I went, तो सबसे पहले what they did was सबसे पहले तो they did ironing again, जहाँ जहाँ भी उनको ऐसे you know बाल मुड़े तुड़े दिख रहे थे या कर्ली दिख रहे थे, तो उन्होंने फिर से स्ट्रेटनिंग की उन पर, एंड ही लेफ्ट इट फॉर लाइक अनदर 15-20 मिनट्स, एंड सो आफ्टर दैट ही टुक मी फॉर अ हेयर बाथ. सो ही अप्लाइड अ डिफरेंट शैम्पू एंड देन ही लेट इट सिट फॉर लाइक 2-3 मिनट्स, एंड शैम्पू के बाद कंडीशनर, एंड कंडीशनर के बाद ही अप्लाइड अ रिपेयर मास्क. So that mask, that all three products they gave me because they said कि जो keratin treated hair होते हैं उनके लिए आप normal shampoo या normal conditioner use नहीं कर सकते हो, because उस keratin को preserve करके रखने के लिए you need to use those shampoos which are actually meant for the keratin treatment. So I bought the shampoo and everything from there, which I'm going to show you in some time. So and also I'll try to link the shampoos and everything, all the products they gave me, in the description box below. So if you guys want to check out, you guys can definitely. And after the hair wash, they did the conditioning they did for like 15 minutes, they left the conditioner in my hair, and after conditioner they applied that hair mask, and then they let it sit for like around 15-20 minutes, I don't remember exactly, but 20 to 30 minutes I guess they let it sit, and then they washed it off. And after the washing, he just dried my hair and blow dried my hair, and my hair were looking just amazing, and they were so straight at that time ki starting mein to I felt I didn't want that straight hair. That was the whole point ki main keratin ke liye gayi, why didn't I go for rebonding or something, I didn't want that straight hair. But the person, the employee there, he said that they will be wavy, naturally wavy, but they won't stay this straight for like next 1 year. And I was like, okay, let's see. And then I came home and I was all this happy and I loved my hair. And yeah, when everything is done aur ek mahina ho chuka hai mere walon ko, to I wanted to tell you guys ki kuch cheeze jo important thi. So this treatment will last me for about 50 to 55 washes. तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके बाल कितने ज़्यादा फ्रिजी थे, तो ये 50 से 55 वॉशेस तक रहता है, एंड दे मेक यू साइन अ डॉक्यूमेंट कि हाउ मच कि जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, व्हाट दे आर गोना अप्लाई टू योर हेयर एंड व्हाट एवर ट्रीटमेंट दे विल गिव यू टू यू एंड हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट एंड एवरीथिंग. For the treatment, how much it costed me, for the length of my hair at Lakme, it costed me around 9,000 rupees, and I know it's way too pricey, but I had been like saving for it for a long time, and I used to think to get this treatment, but I never got it because of being afraid of not letting or not damaging my hair. So I did that, and for the products they again costed me around 4,000 rupees, because usme ek shampoo, ek conditioner aur ek hair mask tha which I had to apply in the same order, ki shampoo then conditioner then hair mask for 15-20 minutes and then wash it off. And aur kya cheezein thi, aur cheezein yahi thi ki I had to get hair spa done every once a month or twice a month,
and that's it. These were the things which they said. Oiling के लिए oiling सिर्फ आपको roots में करनी है and you cannot do कि बालों में नहीं कर सकते आप. और usually हम लोग roots में ही oil लगाते हैं and we want it in the roots. और बाकी के हम बालों को थोड़ा conditioner से ही सही करते हैं. And the second thing is about hair fall. तो hair fall के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि hair fall मेरा definitely कम हुआ है अभी, because क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा manageable हैं. पहले curly बाल होते थे तो वो untangle करने में ही बहुत सारे बाल टूट जाते थे, breakage होती थी. And second thing is कि मेरे post delivery hair fall बहुत ज़्यादा हो रहा था. So post delivery hair fall होता है और normal hair fall से ज़्यादा hair fall होता है. So I am seeing now a drastic difference in hair fall. Hair fall होता है, अभी भी होता है, but it's like अगर पहले 100 होते थे तो अब 50 हो गया. It is that difference. It is that difference. तो हेयर फॉल में फ़र्क हुआ है. अभी आई कैनॉट टेल कि आफ्टर द ट्रीटमेंट जब मेरे बाल वापस से रिस्टोर होंगे आफ्टर 50 to 55 वॉशेस तो कैसे रहेंगे, हेयर फॉल कितना होगा कितना नहीं होगा, वो आई हैव टू टेल यू आफ्टर 6-7 मंथ्स और एन ईयर. बिकॉज मैं ऑब्वियसली वंस अ वीक वॉश करती हूँ बालों को, तो इट्स लाइक कि इट विल लास्ट मी अराउंड 1 ईयर. So we'll see after a year कि क्या बनता है. But अभी के लिए I'm very happy with the result and I just love my hair now. Shine restore हो गई है, hair fall कम हो गया है, manageable हैं and they are around 50% straight. तो मतलब कि पहले अगर बहुत ज़्यादा curly और wavy थे तो अभी frizz नहीं है at least. So I love this treatment and I'll give it a thumbs up. तो आप लोगों में से जो लोग भी इसको try करना चाहते हैं आप लोग try कर सकते हो, but मेरी instructions ये रहेंगी कि please एक trusted salon से ही try करो. जिस hairdresser पे आप बहुत ज़्यादा trust करते हो उन्हीं से try करना, ऐसे किसी के भी पास जाके सिर्फ cost कम करने के लिए मत करना. It's about your hair and it can damage your hair or it can just make your hair look beautiful. So this was my review on keratin treatment which I did on my hair and you guys can see yourself and so this is it for today's video. I hope you guys like this review and let me know in the comments down below कि आपको कैसा लगा ये review और आप ऐसे और hair के related videos देखना चाहोगे कि नहीं. And please like, share and subscribe to this channel and I'll see you next time. Bye!